इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। जो कैबिनेट की बात करें तो यूएस फेड के नरम रुख के कारण कीमती धातुओं में तेजी आई है। जी हां, फेड ने ब्याज दर को उम्मीदों के अनुरूप रखा है। फेड मीटिंग के बाद यूएस बेंचमार्क ट्रेजरी यील्ड 2.7% के करीब फिसल गया है। अमेरिका से जारी अग्रिम जीडीपी डेटा ने अर्थव्यवस्था में मंदी का संकेत दिया है। दरअसल डेटा पूर्वानुमान से कमजोर रहा। गुरुवार को जारी अमेरिकन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी दूसरी तिमाही में ऋणात्मक जो है 0.9% रहा, जिसने जो है कीमती धातुओं में सेफ हैवन के चलते तेजी देखने को मिली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार को ब्याज दरों को 75 आधार अंकों से बढ़ाकर 2.5% कर दिया था, जैसा कि बाजार को उम्मीद थी। फेड प्रमुख जोरोम पावेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सितंबर की बैठक में अंतिम दर वृद्धि का निर्णय आने वाले आर्थिक आंकड़ों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। हालांकि पावेल ने आर्थिक मंदी आने की संभावना को खारिज कर दिया है और दर वृद्धि की स्थिति की समीक्षा के लिए जगह छोड़ी है। इससे स्पष्ट होता है कि अगले साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। इससे डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट आई है और सोना चांदी के भाव तेज हुए। ये साथ तक अपडेट लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।